प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुफ्ती है, मुफ्ती तारिक मसूद, जो पूरी दुनिया को इस्लाम पढ़ाता है और समझाता है। उसको आपने भी कई बार देखा और सुना जरूर होगा। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि खुद तारिक मसूद ने गुस्ताखे रसूल कर दिया है और अपने ही नबी को अनपढ़ और जाहिल बताया। इसी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी हड़कंप मच गया है। तो ये वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी का इसी मुद्दे पे बहुत ही जबरदस्त, दमदार और बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट, नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। बहुत साल पहले एक मैटर आया था जिसमें था कि मदरसे में वो अपनी बच्ची को भेजते थे, जो मछुआ फलमंडी में वो मदरसा हुआ करता था। और वो मौलाना साहब क्या करता था कि जैसे ही बच्चियां आ जाती थीं, वो अपनी लुंगी उठा देता था और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका मनोबल बढ़ता चला गया। फिर बच्चियों को कहता था सहलाओ, और उस पर जब बच्चियों ने जा करके अपने घर पे बताया तो घर वालों ने उस बच्चियों को ये कहा कि चुप हो जाओ, नहीं तो हमारे मजहब का नाम बुरा हो जाएगा। लेकिन जब वो सिलसिला बढ़ता चला गया तब जाकर के विवाद खड़ा हुआ और बहुत बुरे रूप में वो सामने आया। लेकिन आज भी वो मौलाना साहब मुसलमान समाज से बॉयकॉट नहीं है, आज भी वो मौलाना साहब मुसलमान समाज से बहिष्कार नहीं है, आज भी वो मौलाना साहब के पास लोग जाते हैं, मुसाफा करते हैं, उनसे उनसे हाथ मिलाते हैं। और आज भी वो मौलाना साहब, पहले तो वो मदरसे में पढ़ाते थे, अब वो तावीज वगैरह लिखते हैं। मैं एक हादसा और बताती हूँ आपको। एक मौलाना साहब टिकियापाड़ा में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में। वो उनका मानना है कि वो गोल ब्लैडर अगर किसी को होगा तो वो अपनी आयतों से ठीक कर देंगे, जॉन्डिस किसी को होगा तो वो अपनी आयतों से ठीक कर देंगे, किसी को कैंसर हो जाएगा तो वो अपनी आयतों से ठीक कर देंगे। टिकियापाड़ा हावड़ा के एरिया में भेलिलियास रोड टिकियापाड़ा है। और बजाबते उनकी एक सभा लगती है, उस सभा में 99% महिलाएं जाती हैं, 99% और मुस्लिम महिलाएं जाती हैं। वो मौलाना साहब गोल ब्लैडर और अपेंडिक्स और जॉन्डिस को जिस हिसाब से ठीक करता है, वो महिलाओं के शरीर के हर उस अंग को हाथ लगाता है जो नाजेबा है, जो नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज है कि मौलाना साहब कब से गोल ब्लैडर ठीक करने लगे और जॉन्डिस ठीक करने लगे? और मौलाना साहब अगर तावीज से किसी को अंबानी बना देंगे, किसी को टाटा बना देंगे, किसी को पीएम मोदी बना देंगे, तो मौलाना साहब खुद 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए के लिए क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? सबसे पहले वो खुद के लिए तावीज बना करके अपने आप को अंबानी बना ले। अगर अंबानी नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि वो एक सनातनी नाम है, तो मोहम्मद बिन सलमान बना ले अपने आप को, अल हन्नान बना ले अपने आप को, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कोई बात नहीं है, अब बना ले अपने आप को। अब बात आती है कि ये सेलेक्टिव जो इस्लाम है, इस सेलेक्टिव इस्लाम से ये पता चलता है कि अश्लील मर्दों की ये गुटबाजी है, बेहुदा मर्दों का ये ग्रुप है, आवारा मर्दों का एक ग्रुप है। और उस ग्रुप में, उस आवारा मर्दों के ग्रुप में सिर्फ मर्द नहीं है, कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो उनके साथ आवारगी करके मजा लेती हैं और इसीलिए उनकी आवाज में आवाज मिलाती हैं। अब उसकी पहली मिसाल मुस्कान, हिजाब के लिए जिस हिसाब से उसने एक स्लोगन लगाया, उसने जिस हिसाब से हिजाब के फेवर में बात कही, मैंने मुस्कान के अगेंस्ट में तब तक नहीं बोला था जब तक वो मुझे न्यूट्रल दिख रही थी। मैंने मुस्कान को अप्रिशिएट किया था, मैंने मुस्कान को ऑनर किया था, और मेरे पास वो वीडियोस है जिसमें मैंने कहा था कि भाई बच्ची तो शेरनी है। लेकिन जब मेरे पास उसकी पहली वीडियो, उसके इंस्टाग्राम का लिंक ही मुझे किसी ने भेजा, और मैं उसका नाम नहीं रिवील करूंगी, उसी कॉलेज के किसी बच्चे ने भेजा, और जब मैंने देखा कि वो कजरारे नैना पर नाच रही है साड़ी पहन करके, और उसके कुछ दिन के बाद ही अलकायदा के चीफ का उसके पास मैसेज आया और जो पूरी दुनिया ने सुना, देन आई रियलाइज्ड कि ये जो अश्लील आवारा बेहुदा बदतमीज बच्चलन मर्द होते हैं
जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपनी सारी बदतमीजियों को पूरा करते हैं और इस्लाम का ही नाम लेकर के करते हैं और फिर इस्लाम के नाम से ही बच जाते हैं। इनके साथ वो आवारा बेहुदा औरतें भी हैं जो इनके साथ आवारगी भी करती हैं और इनके आवाज में आवाज मिला करके समाज को ये बताना चाहती हैं कि देखो हम महिलाएं भी इसका विरोध कर रहे हैं, हम महिलाएं भी इसको काफिर समझते हैं, हम महिलाएं भी इसको इसको ब्लास्फेमी का अक्यूज बना रहे हैं, हम देखो हम तो हिजाब लगाए हुए हैं, पर हिजाब के अंदर अलकायदा, हिजाब के अंदर जैश ए मोहम्मद, हिजाब के अंदर लश्कर ए तैयबा, ये कैसे निकल जाता है बार बार। और कई ऐसी महिलाएं हैं जो कभी शाहीन बाग पे बैठ जाती हैं हमारे भारत में, जो कभी हमारे भारत में ओखला में बैठ जाती हैं, जो कभी हमारे भारत में एनआरसी और सीए का विरोध करने के लिए पाक सर्कस मैदान में बैठ जाती हैं। तो मेरा सवाल ये उठता है कि औरत तो घर की जीनत होती है, तो फिर उसको रोड पे क्यों उतारते हो अपने मुफाद के लिए और अपने फायदे के लिए क्यों उतारते हो? मतलब जब तुम्हारा फायदा है, जब तुमको अपने फायदे के लिए कुछ बोलना है, तब वो घर की जीनत को तुम पाक सर्कस मैदान में बैठा देते हो, तुम शाहीन बाग में बैठा देते हो। और जब उनको शिक्षा की बात कही जाती है, जब उनको कहा जाता है कि वो कुछ बन जाए, वो कुछ पढ़ ले, तो तुम कहते हो कि नहीं, हम तो एज ऑफ प्योबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। तो ये सेलेक्टिव इस्लाम जो है, इसका नंगा चेहरा अब सामने आ चुका है और ये बहरूपिया है, ये गिरगिट है, ये इस्लाम के मानने वाले नहीं है। ये अपनी अश्लीलता और अपनी बेहूदगी को ये पूरा करने के लिए इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर ये सारे काम कर रहे हैं। और जब हम इनको इनका हिजाब उतारते हैं और जब हम इनकी लुंगियां खोल देते हैं, जब इनकी असलियत हम दुनिया के सामने रखते हैं, तो फिर ये हमारे ऊपर फेक ब्लास्फेमी का केस करते हैं और ऐसी ऐसी महिलाओं को साथ में लेकर के करते हैं जिन महिलाओं के साथ ये लोग शायद बहुत अश्लीलता करते होंगे। और बिल्कुल आपसी अंडरस्टैंडिंग में करते होंगे, आपसी अंडरस्टैंडिंग में करते होंगे, तो वो महिलाएं तो सामने आएंगी जिनको पैसा भी मिल रहा है और जिस्म का थरक भी मिट रहा है, दोनों चीजें मिल रहे, दोनों चीजें पूरी हो रही हैं, तो डेफिनेटली वो महिलाएं तो सामने आएंगी। और वैसे भी मुसलमानों के लिए अगर हम सर से पैर तक अगर झांक लेते हैं तो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया ही होता है। मैं डॉक्टर साहब का न्यूज जब मैंने पढ़ा और जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो बेचारे कंटिन्यूसली अपनी सफाई दे रहे थे और उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था और पता नहीं ये चीज किसने डाला है और किसने ये बदतमीजी की है, मैं इसका बिल्कुल सख्त खिलाफ करता हूँ। और उन्होंने माफी मांगी थी, हालांकि जो पाप किया नहीं था, ना उन्होंने किया नहीं था, उसकी उन्होंने माफी मांगी थी। पर फेक ब्लास्फेमी के इल्जाम पर पहले उनको बुरे तरीके से बेइज्जत किया गया, फिर उनको मारा गया और फिर उनको जलाया गया। आप मैं पूछना चाहती हूँ कि अल्लाह तबारक ताला तो अजर देने के लिए है। मैंने अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउजु बिल्ला अगर किसी ने कोई बेहुरमती की है तो अल्लाह इज इनफ ना, हम अल्लाह के हवाले कर देंगे। मुझे बहुत लोग, आप मेरे ट्विटर अकाउंट एक्स को देखिएगा, आप मेरे इंस्टाग्राम को देखिएगा, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो मुझे नंगा करने के लिए पर्टिकुलरली एक चैनल बना करके रखे हैं जिसमें वो सिर्फ मेरी बुराइयां करते हैं, जिसमें वो सिर्फ मुझे नंगा करते हैं। लेकिन मैं कभी उनको नंगा नहीं करती हूँ, मैं उनको कभी गालियों के बदले में गाली नहीं परोसती हूँ, क्योंकि मैंने उनको अल्लाह के हवाले किया है कि इसका अजर उसको अल्लाह देगा। वो जब जब बर्बाद होगा, वो जब जब जलील होगा, वो जब जब उसकी जिंदगी की आजादी अगर खत्म होगी, वो एक रूम में अपने आप को बंद कर करके नाजिया इलाही खान को नंगा कर रहा है, तो ये भी तो बहुत बड़ा अजाब है उसके ऊपर कि आज नाजिया इलाही खान इस पूरी दुनिया में छाती चौड़ी कर करके घूम रही है, लेकिन जो व्यक्ति नाजिया इलाही खान को नंगा कर रहा है वो कहीं छुपा हुआ है, वो हर रोज अपने मोबाइल फोन को, मोबाइल नंबर को चेंज कर रहा है, पर नाजिया को नहीं करना पड़ रहा है, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा अजाब है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे इतनी तकलीफ हुई कि आप होते कौन है किसी को सजा देने वाले, आपने ये तय कैसे किया और आप अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन पर लेकर के कैसे चले आए, अल्लाह तबारक ताला के होते हुए, प्रॉफिट मोहम्मद के होते हुए। एक वीडियो भी है यहाँ पर, वो मैं इस वीडियो के दौरान ही चलाऊंगा, जिसमें उसकी बेटी बता रही है कि 12 रबी अव्वल को 10,000 रुपया उसने जो है वो नजराना दिया था, ये मुल्लाओं को नजराना दिया था। वो बच्ची वो पर्ची लेकर के भी खड़ी हुई है,
वो फितरा और ज़कात की वो पर्ची भी लेकर के खड़ी हुई है कि मेरे मेरे वालिद साहब तो इस तरह के हैं, मैंने देखा है वो। मैं स्कूल जाती थी, मेरा बैग वो उठा के वहाँ तक मुझे लेके जाते थे, मुझे स्कूल से वापस छोड़ते थे। जब भी मुझे लेने आते थे बोलते थे बेटा तुम क्या खाओगे, जो तुम खाओगे मैं तुम्हें लेके दूंगा। मुझे इंसाफ चाहिए, जिसने मेरे अब्बू को मारा उसे मारो, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे अब्बू का क्या कसूर था जो उन्होंने मुझे मेरे अब्बू को मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए। तो इस अथॉरिटी की पोजीशन पर मुसलमान अपने आप को लेकर क्यों आते हैं? अल्लाह है ना काफी, अल्लाह इज इनफ। जो भी बुरा करेगा, जो भी गुनाह करेगा, जो भी अजाब करेगा, अल्लाह उसकी उसका अजर देगा, अल्लाह उसकी सजा देगा उसको। आप कौन होते हैं ये आप अल्लाह के जगह पर नाउजु बिल्लाह अपने आप को खड़ा करके आप सजा दे रहे हैं और जलाना। शेम ऑन पाकिस्तान। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिस हिसाब से अपने मुंह में लड्डू लेकर के बैठी हुई है, पाकिस्तान की सरकार जिस हिसाब से अपने मुंह में लेमन जूस लेकर के बैठी हुई है, बहुत जल्द हम देखेंगे कि पाकिस्तान दुनिया के मैप से हट चुका है, कब्रिस्तान बन चुका है। क्योंकि अब देखिए, जब तक आपके पास माइनॉरिटी था, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, जब तक आपके पास माइनॉरिटी था तब तक आप माइनॉरिटी को मार रहे थे। अब आपके पास क्योंकि माइनॉरिटी नहीं बचा है तो अब आप हम कलमा को मार रहे हैं, क्योंकि नेचर है तलवार उठाना, नेचर है गालियां देना, नेचर है रेप करना, नेचर में है बदतमीजी करना, नेचर में है आवारगी और बेहूदगी करना। अब मस्जिद के अंदर जिस बच्चे का 18 रमजान में पाकिस्तान में एक इमाम साहब ने रेप किया, एक बच्चे का अनल सेक्स किया, तो वो भी तो मुसलमान ही था जो मस्जिद में आपसे पढ़ने आया था, रमजान जैसे मुबारक महीने में पढ़ने के लिए आया था। तो आपका तो मतलब आपका नेचर है रेप करने का, तभी तो आपको अगर हिंदू नहीं मिला तो सिख नहीं मिला, ईसाई नहीं मिला, यहूदी नहीं मिला, तो आपने मुसलमान लड़का मिला तो लड़के का ही रेप कर दिया। आप तो एक जगह स्टैग्नेंट नहीं है, आप तो नहीं कह रहे हैं कि ठीक है आपने हिंदुओं को मार डाला, हिंदुओं को खत्म कर दिया, अब हम अपनी अश्लीलता का बाजार खत्म कर देंगे। आपने तो ऐसा नहीं किया, मतलब ये आपका नेचर है और आप अपना नेचर सब पर थोप रहे हैं। अंत में मैं इतना ही कहूंगी मुसफर भाई कि मुझे ऐसा लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब को एक नजीर पेश करना चाहिए था और पाकिस्तान की अवाम को भी एक नजीर पेश करना चाहिए था कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा सरदन से जुदा। अगर एक आम साधारण आदमी का, एक आम साधारण मुसलमान का सरदन से जुदा होता है, एक हमारे भारत में तो मुसलमान आकर के गुस्ताख रसूल की सजा हिंदुओं को भी दे देता है, जिसको कोई मतलब ही नहीं है इस्लाम, उसको भी गुस्ताख रसूल की सजा दे देता है, कन्हैया का गला काट दिया। तो मुझे लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद को खुद खुद भीड़ में जाना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे भी मत बख्शो, क्योंकि इस्लाम के ठेकेदार मुफ्ती तारिक मसूद है, इस्लाम के सरपंच बन करके वो बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है सजा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, बल्कि उनकी सजा और कठोर होनी चाहिए थी। और 72 वर्जिन हूर के पास जा करके जन्नत में अय्याशी करना, जो उन्होंने खुद कहा है, इससे वो भाग क्यों रहे हैं, मौत से डर क्यों रहे हैं, जिस जो मुफ्ती तारिक मसूद सबको सिखाते रहे कि जन्नत क्या है, अय्याशी की तो जगह है, तो उसी जन्नत से, उसी अय्याशी की जगह से आज वो क्यों डर गए? आज एक माफी कर देने से, एक माफी बोल देने से, क्या प्रॉफिट मोहम्मद को जो उन्होंने मलाइन किया है, या प्रॉफिट मोहम्मद को नाउजु बिल्ला जो उन्होंने जाहिल कहा है, वो क्या सेंटिमेंट है, वो क्या पूरा हो गया? मुझे तो नहीं लगता कि पूरा हुआ है। मुझे लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मैं डायरेक्ट आपको कह रही हूँ कि आप मजलिस में जाइए और मुसलमानों को कहिए कि मुझे पत्थर मारो, मुझे ईटा मारो, और जैसे ब्लास्फेमी की सजा तुम सबको देते हो उससे भी भयंकर मुफ्ती तारिक मसूद को दिया जाए, तब जाकर के एक नजीर पेश होगा और पूरी दुनिया समझेगी कि गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा मुफ्तियों का भी होगा अगर मुफ्ती गुस्ताख रसूल करेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, होना तो ऐसा ही चाहिए कि जो ये एग्जांपल सेट करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ऐसे तो हमें मुसफर भाई ये फील हो रहा है कि भाई मुफ्ती और मौलाना मुल्ला कुछ भी कर सकता है, रेप भी कर सकता है और कर ही रहा है,
कुछ भी कर सकता है। और इन्होंने ही अपना एक प्रोपेगेंडा और अपनी एक टीम बनाई है जिहादी कि भाई दूसरे लोगों को ऐसे ऐसे तुमको आघात पहुंचाना है और ऐसे ऐसे बेइज्जत करना है और ऐसे ऐसे गाली गलौज करना है, ऐसे ऐसे रेप करना है, हम तुमको बचा लेंगे और बचा भी रहे। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा कि नाजिया खान जी ने ना सिर्फ मुफ्ती तारिक मसूद का कॉलर खींचा बल्कि जितने भी मजहब के ठेकेदार हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं उनको एक्सपोज करके रख दिया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट नॉलेजेबल और दमदार वीडियोज लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।